गुड मॉर्निंग सभी को। तो हम अभी रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स सीखने वाले हैं, नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना। ओके, तो हमारे पास एक फोर्स है, ये आर जो आपको दिख रहा है, तो ये आर एक फोर्स है जिसे हमें रिजोल्व करना है दो डिफरेंट फोर्सेस में जो कि परपेंडिकुलर नहीं है। तो एक फोर्स हम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज ये मेरा एक फोर्स है, ओके नाम F1 ले देते हैं। ओके, तो ये F1 एक फोर्स है और एक मेरे पास फोर्स सपोज ये है F2, ओके जो कि अल्फा एंगल एंड बीटा एंगल पे है। ओके, तो ये है कि मेरे पास एक फोर्स है यार जिसे मुझे दो फोर्स में रिजॉल्व करना है, F1 एंड F2। F1 R के एक डायरेक्शन में अल्फा एंगल बनाता है जबकि F2 R के सेकंड डायरेक्शन में बीटा एंगल बनाता है। अब हमें इस F1 और F2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम ये कैसे करेंगे? अच्छा, हम लोग एक पैरेललोग्राम लॉ ऑलरेडी जानते हैं, उसके तहत क्या है कि हम इस पूरे सिस्टम को एक पैरेललोग्राम में यदि ड्रॉ कर लें तो क्या कर सकते हैं हम, ये सब पूछ कीजिए, इसके पैरेलल एक लाइन हम खींचते हैं। सपोज ये पैरेलल है इसके, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा शायद हो गया है, कोई बात नहीं। ओके, तो इसके पैरेलल F2 के पैरेलल मैंने दूसरा लाइन लिया यहाँ F2। ओके, तो ये जो अब एक ट्रेंगल आपको दिख रहा है, इस ट्रेंगल में आप ध्यान से देखिएगा, तो ये अल्फा, एक्चुअली इसको यदि एक्सटेंड किए हम तो ये बीटा बनेगा। तो ये बीटा का मतलब ये एक्चुअली ये एंगल है, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल। तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, बीटा। और क्या है, ये एंगल को ध्यान से देखिएगा, दिस एंगल F2 और F1 के बीच का एंगल क्या होगा, F2 और F1 के बीच का एंगल कितना है, अल्फा प्लस बीटा। तो ये एंगल बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा, हमें पता है अब ये एक ट्रेंगल बन रहा है और हमें पता है कि इसका और इसका सम, वेक्टर सम जो है इस आर के बराबर होगा, यदि क्योंकि ये इसी का कंपोनेंट है, यदि तो ये होना चाहिए। और यदि ये होता है तो एक ट्रेंगल बनाएगा और इस ट्रेंगल में F1 F2 का सम इस रिजल्टेंट आर के बराबर होना चाहिए। अब इसमें हम इस ट्रेंगल में यदि हम अप्लाई करते हैं साइन रूल, साइन रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो सकता है, ये आर जो है ये एंगल, आर के सामने का एंगल ये कितना हो गया, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ओके। इसका साइन, F1 का साइन कौन सा होगा, साइन के साथ F1 के सामने का एंगल कौन सा है, बीटा। दैट मीन्स F1 अपॉन साइन बीटा एंड F2 अपॉन F2 के सामने का एंगल अल्फा, जो कि हम लामी थ्योरम को प्रूफ करने के दौरान भी इसका यूज किए थे, जस्ट वही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। अब इसको एक्सटेंड करेंगे आगे तो हमें मिलेगा क्या, आर बटा साइन अल्फा प्लस बीटा F1 बटा साइन बीटा बराबर F2 बटा साइन अल्फा। आप इसका इस्तेमाल डायरेक्टली कर सकते हैं आपके प्रॉब्लम में, यदि मिला हो इसको थोड़ा सा और अच्छे फॉर्म में लिखना चाहें
तो हमें एक्चुअली पता करना था F1 और F2 का वैल्यू। तो F1 का वैल्यू यहाँ से क्या आया, R साइन बीटा इधर आ जाएगा इंटू साइन बीटा बटा साइन अल्फा प्लस बीटा। मतलब कि जिस दो फोर्स में तोड़ना है, जितने एंगल पे मुझे उसे ब्रेक करना है, वो अल्फा बीटा मुझे पता है, कौन सा फोर्स था जिसका कंपोनेंट निकालना है वो पता है हमें। तो अल्फा बीटा और आर पता हो तो हम आसानी से F1 फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली F2 इक्वल टू आर इंटू साइन अल्फा बटा साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये दो स्टैंडर्ड फार्मूले हो गए आपके, जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं डायरेक्टली कभी भी आपको कंपोनेंट निकालना हो नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट के फॉर्म में। यदि परपेंडिकुलर का केस हो, फॉर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, फैमिलियर इससे हैं हम लोग, फिर भी इससे हम समझने की कोशिश करते हैं क्या इसके जरिए भी ये पॉसिबल है। बिल्कुल है। तो इसको देखिए, यदि मेरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा दैट मीन्स क्या, F1 और F2 के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ऐसे ही आपको ब्रेक करना है। तो दैट इज अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। और यदि ये हुआ तो मेरा इस केस में F1 क्या हो जाएगा, आर साइन बीटा बटा साइन 90 डिग्री। दैट मीन्स आर साइन बीटा ओके। एंड F2 आर साइन अल्फा साइन, ये तो 90 डिग्री रहेगा, दैट मीन्स आर साइन अल्फा। अब क्या है कि 90 डिग्री के केस में आपको दोनों डेप्थ सेपरेटली पता है, तो भी यदि कोई आपको एक ही पता है, सपोज कीजिए केवल मुझे एफ अल्फा पता है, तो इसको पता भी कर सकते हैं, बिना पता किए भी आप इसको बना सकते हैं। आर साइन बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आर साइन 90 माइनस अल्फा दैट इज आर कॉस अल्फा। ये दो फार्मूले हम लोग ऑलरेडी फैमिलियर हैं इससे।